खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर 7 अगस्त की रात को गन दिखाकर वाहन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने एक शातिर लुटेरे चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं अब एक अभी भी फरार चल रहा है। गिरफ्तार किए गए चोर के पास से देसी पिस्टल बरामद की गई है। इसी दौरान एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने आरोपी बताया कि आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो यहाँ पढ़ाई की बात कर किराए के कमरे में रह रहे थे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। फुटेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ से लेकर के हमने पूरा फुटेज जो जो जहाँ जहाँ पर भी हमको सीसीटीवी उपलब्ध थे वहाँ का फुटेज हम देखते हुए कुलहाल और कोंडा साहिब तक गए। उसके बाद आगे फर्दर जाने पर तब जाकर के इसका कुछ हल्का फुल्का जानकारी भी नंबर प्लेट्स नंबर को मिला करके देखा गया। देखने के बाद पूरे लगभग लगभग 12 दिन के बाद ये मामला वर्कआउट हुआ है और बहुत मशक्कत बहुत मेहनत करनी पड़ी प्रेमनाथ थाने को। एसओ साहब स्वयं गए थे वहाँ पूरे आपके हरियाणा पंजाब और कोंटा साहब के हिमाचल प्रदेश में, तो एक अच्छा वर्कआउट हुआ है और गाड़ी हमने बरामद कर ली है। उस पूरे टीम को मेरे तरफ से 10,000 का नगद पुरस्कार में